आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 7 रीजंस जिनकी वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होता है बल्कि धड़ाम से गिर जाता है। जब भी आप बैंक में लोन लेने गए होंगे या आपने क्रेडिट कार्ड के लिए लेने गए होंगे तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तब तो आपको लोन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तब आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो आज इस वीडियो में आपको 7 रीजंस पता चलेंगे जिनकी वजह से आपका जो सिविल स्कोर है गिर जाता है, और इसी वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि एक अच्छा सिविल स्कोर होता क्या है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देख ली तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आपको इस टॉपिक को जानने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूं एडवोकेट जीशान और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिजनेस फील्ड। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं, और जो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइजेज हैं, इसको म्यूजिक तो कहेंगे इसको नॉइज ही कहेंगे, इसे थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं GST, इनकम टैक्स, MSME जिसे आप बोलते हैं रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फूड लाइसेंस, लोन, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कामों को भी करता हूं, और जो भी मैं आपसे नॉलेज शेयर करता हूं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। और आज की ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं रीज़न नंबर 1 की तरफ। लेकिन रुकिए, इससे पहले आपको एक बात और जानना जरूरी है कि एक अच्छा सिविल स्कोर होता क्या है। देखिए, जो सिविल स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 तक का होता है। जो 300 होता है वो मिनिमम स्कोर होता है, और जो 900 होता है वो हाईएस्ट स्कोर होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाएगा। 750 से जितना ऊपर होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको लोन मिलने के, उतने ज़्यादा आप एक्सीडेंट के पोजीशन में आते हैं। लेकिन 750 से जितना नीचे आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही आपका बेकार माना जाएगा सिविल स्कोर, और उतना ही आपको दिक्कत होगी लोन लेने में। अब चलते हैं 7 रीजंस की तरफ। नंबर 1, इनसफिशिएंट बैलेंस। मान लीजिए हमने पहले से कोई लोन ले रखा है और उसकी कुछ EMI हमारे पास जाती है, बट उन EMIs को पे करना हम भूल गए या हम मिस कर गए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं उस वजह से हम टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उस वजह से भी हमारा जो EMI है जो हमारा सिविल स्कोर है वो डाउन होने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारा जो लेंडर है, मतलब जिस बैंक से हमने लोन लिया है वहाँ से हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हो सकता है वो एनुअल फीस की वजह से हो रहा हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से हो रहा है, और हम सेटलमेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा जो सिविल स्कोर है वो डाउन होने लगता है। रीज़न नंबर 2, मोर नंबर्स ऑफ लोन इंक्वायरीज। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोन लेना होता है, हम 2-3 बैंकों में जाते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और वहाँ पे ये पता करते हैं कि ये कौन सी बैंक हमें सबसे ज़्यादा लोन दे देगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब बैंक्स आपके नाम से अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब आप कई जगह लोन की इंक्वायरीज करते हैं, तो ऐसे केस में भी आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होने लगता है बल्कि धड़ाम से गिरने लगता है। रीज़न नंबर 3, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा लोन लेना। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है बहुत से लोग की आदत हो जाती है कि उन्होंने सपोज करिए 1 लाख रुपया कोई लोन ले लिया, अभी वो चल ही रहा है, उन्होंने दूसरा भी लोन ले लिया 50,000 का। अब पता लगा पहले आधा किया, इसके बाद में जो दूसरा चल रहा है उन्होंने फिर से 1 लाख का 1.5 लाख का कहीं से लोन ले लिया। उन्हें लोन तो मिल जाता है लेकिन उनका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होने लगता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। 1 लोन लीजिए, सॉलिड लीजिए, उसको पूरा अदा करिए, कुछ टाइम बाद ही दूसरा लोन लीजिए। उससे पहले कम टाइम में थोड़े थोड़े अपने लोन के अमाउंट लेकर अपना सिविल स्कोर मत गिराइए। अभी तो ये सिर्फ 3 रीज़न हुए जो जनरली सबको पता हो, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अब जो लास्ट के 4 बचे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और हो सकता है आपने पहले कभी सुने ना। नाउ रीज़न नंबर 4, गारंटर इन अ लोन। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई मिलने वाला है, उन्हें कोई लोन चाहिए, उन्होंने कहा भाई उसमें एक गारंटर चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, दे दूंगा, मेरे दोस्ती तो मेरे रिश्तेदारी तो हो, क्या करना, मेरे को एहसानी तो करना है भाई। हमने गारंटी अपने दे दी, एक गारंटर बन गए। लेकिन आपको पता है कि गारंटर का मतलब क्या होता है? अगर जिस बंदे ने लोन लिया है अगर उसने लोन को रीपेमेंट नहीं किया तो बैंक आपसे पैसा वसूलेगी। और इसी तरीके से जब भी वो कोई पेमेंट, कोई EMI, कोई इंस्टॉलमेंट मिस करती है, टाइमली उसको नहीं पे करती है, या कोई डिस्प्यूट करती है, तो उसका जो इफेक्ट है वो उस बंदे का तो सिविल स्कोर गिरता ही है, साथ में जिस बंदे ने गारंटी दी है उसका भी सिविल स्कोर ज़रूर गिरता है। पक्की बात ये आपको नहीं पता होगी जो को अभी आपको पता चली।
अब चलते हैं इसी तरीके से इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो नंबर 5। पांचवा इम्पोर्टेंट रीजन, ज्वाइंट लोन अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन लोग मिलकर के एक ज्वाइंट लोन अकाउंट खुलवा लेते हैं, मतलब एक ज्वाइंट लोन ले लेते हैं और उसकी जो ईएमआई होती हैं या तो सभी मिलकर पे करते हैं या किसी एक बंदे की जिम्मेदारी होती है उसकी ईएमआई को पे करना। अगर वो बंदा टाइमली पेमेंट नहीं करता है ईएमआई की या मिस कर देता है या लेंडर से कोई डिस्प्यूट करता है तो ऐसे केस में जो सिविल स्कोर है वो जितने लोग ज्वाइंट अकाउंट में हैं लोन के उन सब के सिविल स्कोर इफेक्टेड होते हैं, सबका सिविल स्कोर डाउन होने लगता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह होती है आपके सिविल स्कोर गिरने की, जो जनरली लोगों को पता नहीं होती, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब दो रीजन और बचे हैं, इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के मत जाइए, हो सकता है जो दो रीजन बचे हैं उसी में से कोई गलती आप कर रहे हो सकता है, कोई एक गलती कर रहे हो या कोई, हो सकता है दोनों गलती कर रहे हो। तो रीजन नंबर 6, इनएक्यूरेट क्रेडिट रिपोर्ट। लेट से आपने पहले पास्ट में कोई आपने लोन लिया हो, ठीक है, आपने उसमें कोई डिस्प्यूट हुआ हो और आपने उसका कोई बैंक से सेटलमेंट कर लिया, हो सकता है आपने 25,000 रुपये आपके पेमेंट निकल नहीं होते नहीं और कोई डिस्प्यूट हुआ हो, बैंक ने कहा ठीक है सेटलमेंट कर लेते हैं आप 15,000 रुपये में सेटलमेंट कर लीजिए, आपका ही फायदा है हमारा ही फायदा है। अब पता लगा आपने सेटलमेंट तो कर लिया है लेकिन वो जो सेटलमेंट है उसकी जो रिपोर्ट है वो अपडेट नहीं हुई है। तो ऐसे केस में भी आपको चेक करना चाहिए कि जो आपने सेटलमेंट करा है क्या उसकी रिपोर्ट अपडेट हुई है, क्योंकि अगर उसकी रिपोर्ट जो है अपडेट नहीं होगी तो आपका सिविल स्कोर डाउन होता रहेगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। और अगर आपकी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कि आपने कुछ सेटलमेंट किया और आपकी रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं या अपने लेंडर से बात कर सकते हैं, अपने बैंक में जाके इसके लिए बात कर सकते हैं। अब जो रीज़न नंबर 7 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसे कहूँगा, इसके बारे में लोग जानते ही नहीं है या उस पर आप ध्यान ही नहीं देते, वो ये है कि अपनी क्रेडिट लिमिट का मैक्सिमम यूज़ करना। हो सकता है आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हो और उसमें आपको 50,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिली हो, अब पता लगा आप हर महीने 45,000, 40,000, 48,000 रुपये उसमें से खर्च कर रहे हो, तो ऐसे केस में बैंक को ये लगता है कि इन्हें जो है ना उधार लेने की वादा आ जाता है। तो ऐसे केस में जो आपका सिविल स्कोर है वो डाउन होने लगता है और आपको खबर भी नहीं होती है। आपको क्रेडिट लिमिट का बहुत ज़्यादा 20-25% तक का ही यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी करिए, बाकी अगर आप आदत बना लेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा प्लस आपका सिविल स्कोर भी नीचे होता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो 7 रीजंस आपको बताए हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, इसमें से अगर आप कोई गलतियाँ करते हैं तो उसे आप दोबारा से नहीं दोहराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने ख़राब हुए सिविल स्कोर को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, 750 से ऊपर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब